हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में जो हमने अपना कस्टम पोस्ट का पेज था वो क्रिएट किया था, तो वो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ भी नहीं किया था सिवाय इसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग करने के। ये मेरे पास डेमो पेज है, हमने इस तरीके से अपना पेज क्रिएट करना है कि पहले यहाँ पे फुल लेंथ ऑफ पोस्ट आएगी, उसके बाद थ्री रिलेटेड पोस्ट, उसके बाद हमारा ऑथर का बायोडाटा, और उसके बाद नीचे कमेंट्स, जितने भी कमेंट्स होंगे इस पोस्ट के ऊपर, और लास्ट पर हमारा कमेंट बॉक्स होगा। तो इसी को क्रिएट करने के लिए हम जो है अपनी कोडिंग में जाएंगे, और कोडिंग में जो था हम पोस्ट के टैब के अंदर रहते हुए पोस्ट की फाइल के अंदर जाके एडिटिंग करेंगे, और एक डाटा जो है वो हम इंडेक्स की फाइल से जाकर लेकर आएंगे जहाँ पे हमने पोस्ट क्रिएट की थी। ये हमारे पास एक पोस्ट का कोड है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके अपनी पोस्ट के अंदर आकर यहाँ पर पोस्ट के पेज के अंदर यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो वो एरिया था हमारा 8 का, जो यहाँ पर ये हमारा जो कॉलम था इसके अंदर हमारा डाटा आएगा। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारी पोस्ट आ गई। इसको चेक कर लेते हैं अपने ब्राउजर में, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये पोस्ट आ रही है। लेकिन हमें इसमें अब रीड मोर का बटन नहीं चाहिए, तो मैं वो बटन जो है वो खत्म कर देता हूँ। ये वाला बटन ही मुझे चाहिए, और इसके अलावा इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके आगे एक पीआर का टैग लगा लेता हूँ, और अगेन एक और पीआर का टैग लगा लेता हूँ, और इसको कॉपी करके पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यानी कि तीन लेंथ ही पोस्ट है जो मैंने क्रिएट की है, जो इसके अंदर आ रही है। तो इस तरीके से ये हमारी पोस्ट इसके अंदर आएगी, फुल लेंथ ऑफ पोस्ट आएगी। और इसके बाद जो है हमारा जो बाकी का डाटा आएगा, तो वो कौन सा डाटा आएगा उसमें हमारे पास आना चाहिए, ये तीन बॉक्स आने चाहिए, ठीक है, रिलेटेड पोस्ट के। तो इसके लिए मैं जो है इस पोस्ट को मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये कहाँ पर है, ये मिनिमाइज करनी है पोस्ट पोस्ट, यहाँ पर ये है, ये पोस्ट को मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। इसी पोस्ट के नीचे जो है एक और मुझे डिव चाहिए, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ रिलेटेड पोस्ट, ठीक है, रिलेटेड पोस्ट। और इसके अंदर जो है मुझे एक रो चाहिए, रो जिसके अंदर मुझे तीन डिव रो चाहिए, डिव कॉलम SM स्मॉल की चार की तीन चाहिए, ठीक हो गया। इसके अंदर अब हम अपनी रिलेटेड पोस्ट वगैरह लगाएंगे। तो पहले वाले के अंदर जो है पहले मैं ए का टैग शुरू करता हूँ। ए के टैग के अंदर ही रहते हुए मुझे ये सारा इसके ऊपर काम करना है। तो मुझे इमेज लगाना है पहले, IMG का एक टैग लगाना है, जिसका IMG में मौजूद स्लाइडर वन की इमेज में लगा लेता हूँ, और आल्ट में इसको कहता हूँ स्लाइडर वन। और इसी के बिल्कुल नीचे मैं हेडिंग 4 की शुरू करता हूँ, और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज द हेडिंग फॉर पोस्ट वन, वी कैन एड सम मोर हेयर, ठीक है। सेव करके इसको एक दफा ब्राउजर में चेक कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से आ रहा है। बाकी भी जो इमेजेस हैं वो हम इसमें, पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, बाद में इसकी सेटिंग जो है वो हम करेंगे, स्टाइलिंग जो है इसको CSS में करेंगे, पेस्ट, और इसके अंदर भी पेस्ट, यहाँ पे स्लाइडर वन, यहाँ पे स्लाइडर टू, और यहाँ पे स्लाइडर थ्री लिख देते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आके इसको चेक कर लेते हैं एक दफा, तो ये तीनों स्लाइडर यहाँ पर आ गए हैं। अब इसकी हम यहाँ पे स्टाइल में जाके इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मुझे एक और चीज चाहिए। ये रो के अंदर ही रहते हुए मुझे एक H2 का टैग चाहिए, जिसके अंदर मैं लिखूंगा रिलेटेड पोस्ट, ये इस तरीके से। इसको यहाँ से कट करता हूँ, सेव, ये चीज ठीक है, मुझे रो के अंदर नहीं रो के बाहर लिख लेते हैं, ये हमारा अलाइन नहीं हो रहा था इसलिए। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे अब इसकी स्टाइलिंग करता हूँ।
तो मीडिया क्यूरी से बाहर ही रहते हुए मैं यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करूँगा जो हमारी रिलेटेड पोस्ट का जो मैंने एक क्लास क्रिएट की थी उसको कैच करूँगा और उसकी बैकग्राउंड जो है वाइट कर देता हूँ। उसको देखते हैं कि किस तरीके से लगती है हमारे पास। ये आ गई रिलेटेड पोस्ट के अंदर जितने भी इमेजेस हैं, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। रिलेटेड पोस्ट के अंदर जितने भी इमेजेस हैं उनको कैच करो और विड्थ उसकी जो है 100% कर दो। तो ये इस तरीके से हमारे पास रिलेटेड पोस्ट जो है वो शो हो रही है। इसी की हम पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक हो गया। यहाँ पर पोस्ट के अंदर आकर इसके आगे एक HR का टैग भी लगा लेते हैं जो इसके दरम्यान सेपरेशन लेकर आए। तो ये हमारी रिलेटेड पोस्ट आ गई। यहाँ पर हम इसको H3 लगा लेते हैं। H2 काफी बड़ा हो गया है। यहाँ पे H3 और H3 सेव, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये चीज रिलेटेड पोस्ट। अब रिलेटेड पोस्ट की भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट, सॉरी, स्टाइल के अंदर जाकर, सॉरी, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पर डॉट रिलेटेड पोस्ट में जो H3 है कलर उसका चेंज करना। सिर्फ ये वाला जो कलर है इसी कलर को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारी रिलेटेड पोस्ट आ गई। तो यहाँ तक तो ठीक है कि हमारी रिलेटेड पोस्ट क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी मजीद चीज़ें ऐड करेंगे, तो क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा हो रही है वीडियो की। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।